असित जी, आपने जो कुछ भी मंगवाया था ना, सब हम ले आए। ले आया? थैंक यू वेरी मच वेद। वेद बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा लड़का है, बड़ा ही होनहार है और आज्ञाशील है। और अब क्या बोलूँ, और मतलब शब्द नहीं है। ये वेद बहुत दिनों बाद मुझसे मिल रहा है, बहुत दिनों बाद मिल रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, जगे है ना हम लोग रात भर। एक्चुअली हम लोगों के पास सामान इतना ज़्यादा था कि अगर स्कॉर्पियो करते या बोलेरो करते, इस तरह की गाड़ी हमें दो करनी पड़ती। इसीलिए ये बिल्कुल लेमोजिन की तरह एक लंबी सी गाड़ी है, क्रूज़र। पीछे तो नमीश सोता हुआ आ रहा है। क्या क्या खाया अभी तो? चालू है तो ये हैं हमारे गांव के दरोगा बाबू, नाम इनका दरोगा है, लेकिन ये गांव में किसानी करते हैं, खेती करते हैं। हम लोग जब शहर में रहते हैं तो हमारे खेत की भी देखभाल यही करते हैं, है ना? ठीक है। इस साल का उगावा था वो हमारे खेते में? इसमें गेहूँ गल्ला सरसों गल नहीं है। गेहूँ गेहूँ एंड सरसों? जी हाँ। और आलू देखा थी? आलू? हाँ, आलू 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 हो? तो आलू तो आलू है। कैसे तू आगे होगी ना? तू आगे होगी ना? अरे देखो तू कहाँ आगे लाइन वोटर आगे चावा था लो। ये लड़के फोटो ले, वीडियो ले ना। हाँ फिर ठीक है, पूरा चीप पूरा। हाँ हाँ एकदम मंगाना हो चाहिए, पूरा डेप्थ आओ देखा तो, पूरा डेप्थ पूरा घर आजी। हाँ ठीक है, जुमा कैसे खड़ा हो जाता है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कालीन भैया ने मिर्ज़ापुर को तो बहुत फेमस कर दिया, लेकिन मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है और मिर्ज़ापुर कजरी के लिए जाना जाता है। चल मुंडन करा रहे। शादी ब्याह है, लड़का बच्चा लेके ये माई करे, परिवार आप लोग के खुशी रहे, फिर से माई बुलावा। यस, और मैं तुम्हें बोला जरूरत ना पड़ी। नहीं नहीं बोलना, अरे भाई हमारा पद है, हम बोलेंगे आपके प्रजा हैं, आप से मांगेंगे कुछ और से मांगेंगे। नहीं मतलब मैं तुम्हें बोला ना पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप कुछ कभी नरम नरम तो बताइए। पूरा व्यवस्था के साथ आएंगे, आप आइएगा, फोन कीजिएगा। टोपी लगाओ बाबू, जय दर्शन पूजा कर लीजिए आप लोग। यहाँ से अपने आप निकलता है? हाँ। तो ये लोग ये अभी निकल रहे हैं? हाँ। अपने आप निकल रहे हैं। ये क्या है? चार साल बाद बूढ़े तीन थे। और तू ना बढ़े, बार बार रख दे तो बढ़ जाता, पत्थर पड़ जाता है। पत्थर पड़ता है। चार्जर उधर लगा बहुत अच्छा, जैसा कि अभी मुझे पता चला है कि यहाँ से हर साल दो तीन पत्थर अपने आप निकलते हैं, और जब उसको वहाँ से निकाल के बाहर रख देंगे तो वो पत्थर बड़ा होता है। जैसे कि ये पत्थर, ये जब निकला था तो छोटा था, अभी देखा तो इतना बड़ा है। श्रद्धा बनाए रखिए भोलेनाथ के। जय भोलेनाथ। रल्ली के नुक्कड़ तक चल जाएगा, उसके बाद का, उसके बाद हमारा मोबाइल है, मोबाइल जिंदाबाद। क्या 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 कहाँ कटा लगा? नहीं राजू श्रेष्ठा बोलता है। हाँ। बाद में डूब गई रहा। कहे तोरे मेरा रुक बचाई कि तोरे अम्मा के। कहे जा तू अम्मा को बचाओ, मेरे बाद कोई ना कोई बचाई लेगा। देखो पीछे बाबा है, बाबा जी। बाबा जी वैसे नहीं खिंचवाते जल्दी, तो बाबा जी खिंचवा लिए। बाबा जी चाय पियेंगे? पूछिए। बाबा जी चाय पियेंगे? बिल्कुल पियेंगे। चाहिए आइए, ठंड में हमारे साथ चाय पीजिए। कुछ बाबा जी से पूछिए। कहाँ से आए बाबा जी आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? अच्छा कितने दिन आए यहाँ से? कितना दिन हुआ आपको यहाँ पर? यहीं पर रहते ही हैं आप? यहीं पर रहते हैं? इनको बोल रहे तो भोसड़ी के, तुम ही बोल रहे। पूछ रहे हैं बाबा जी से, बात कर रहे हैं। चल गए बिहार? अच्छा कल आए हैं? अच्छा, कल आए हैं। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ कहाँ पे रहते हैं
मूड पे रहते हैं, वहाँ बैठते हैं, कभी दुकान बंद होता है तो सो जाते हैं। तो ठंड में यहीं रोड पे ही सो जाते हैं? अच्छा, अरे बाबा की नगरी में है, रहने खाने सोने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, महादेव की कृपा जिसके ऊपर है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे ही तो मजा है यार, हम लोग अपने गांव में जाते हैं, जब से हम भाई गांव में गए हैं ना, बस खाली ब्रश करके यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, कहीं पे चाय पी लिया, किसी के यहाँ आलू दम का नाश्ता कर लिया, बस सोने के लिए घर आते थे। रात को बाटी चोखा कहीं ना कहीं बनता ही था। हमारे पापा का कहना है कि बनारस आल हुआ, पहले भैरव बाबा के दर्शन करा, इनके कोतवाल बोले जला ना, पाराणा श्याम भैरव देवर, संसार भय नाश न, संसार का भय, अनेक जन्म कृतम पापम दर्शन न भी नश्य, अनेकों जन्म का पाप दर्शन से दूर, बड़े बड़े जज में स्टेट आते हैं यहाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ तो जोगी आए, जोगी आ रहे हैं, जोगी मोदी तो यहीं से तो गए, तो बैठे हाँ पहले दर्शन करके तब। दुल्हन फोटो खिंचवाने में बिजी है, अभी जस्ट ये जयमाल खत्म हुआ और उसके बाद सबका फोटो सेशन चालू हो गया। वैशाख मास से प्रवेश कुल पढ़ते है गुरु वासना नित्यायाम सूर्य वेदांत सरगत मास में माध्यम ध्यान है। शादी वादी तो सब निपट गई, लेकिन शादी के बाद एक और रस्म होती है, जब ये मंडप में जब ये चीज़ बांधी जाती है ना, तो इसको खोलने के लिए मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। आओ सब लोग खड़े हो, सर इस बाबा अकेले मामा कहते हैं अभी बहुत लंबा जाएगी तो आगे वाला मंदिर में कभी जाएगी। देखो बुआ जब नाचती है तब तो पूरा एकदम पर्वत पहाड़ एकदम नाचने लगता है। कौन गाना लगाएं बताओ, अरे गाना जी लगाओ, इसीलिए तो ये सूजी है, ठीक है, ठीक है, शहद डालोगे क्या हलवा में? दोस्तों ये थी कुछ 2021 की बहुत ही बेहतरीन यादें, और यकीन मानिए कि आप लोगों के कमेंट्स और लाइक से मुझे इतनी एनर्जी मिलती थी, मैं चाहता था डेली व्लॉग करूं, डेली आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 365 दिन जो 2022 के होंगे उनमें एक दिन भी स्किप ना करूं। अगर ऐसे ही अपना प्यार आप लोग देते रहे ना और ऐसे ही मुझे एनर्जी मिलती रही, तो मैं डेफिनेटली ये चैलेंज पूरा करूँगा।
और अभी से मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। तो मिलते हैं 2022 में आप लोगों से, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।